यीशु चर्च, जय यीशु। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं जिसने ये दिन बनाया है, क्योंकि हर एक दिन उससे एक तोहफा है। हालेलुया। आप यहाँ तक सही सलामत आए हैं, वो परमेश्वर की दया है और कृपा है। आमीन। क्या हम सब धन्यवादित हैं परमेश्वर के प्रति? क्या हम सब धन्यवादित हैं? I got
हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हम गा सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, मगर इसलिए क्योंकि वो योग्य है। इज द गॉड हु इज एबल। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सारे चमत्कारों को करता है, हम उसकी आराधना करते हैं, उसको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज यहाँ है और वो आपके लिए और मेरे लिए कार्य करना चाहता है। Thank you.
परमेश्वर हम कहीं भी हो परमेश्वर अपने जीवन में धन्य तेरा नाम हो परमेश्वर, चाहे कोई भी मुश्किल आए परमेश्वर तेरा नाम धन्य होने पाए। हो मुश्किलें सामने आए, कठिनाई राह में आए, यहोवा फिर भी दिल का है धन्य तेरा नाम। मुश्किलें सामने आए, क्यों ना हम अपनी आवाजों से ये गाएं, कठिनाई राह में आए यहोवा फिर भी दिल का है धन्य तेरा नाम धन्य हो यीशु, तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा, क्यों ना कुछ समय लें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं जानता हूँ आपके जीवन में ऐसी बहुत चीज़ें और ऐसी बहुत मुश्किलें आई होंगी जहाँ पे वी फॉल शॉर्ट ऑफ थैंकिंग गॉड, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इतना खो जाते हैं अपनी मुश्किलों में। मगर ये समय है हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर तू जो था वो है वो रहेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ तू मेरे साथ है। That's the hope we have in Him. और उसी नाम की हम महिमा करते हैं। Oh,
हालेलुया यीशु मसीह की आमेन। कैसे हैं आप सब लोग? आमेन। एक सवाल है आप सभी से, क्या आज आप खुश हैं? तो चेहरे पे दिखाइए। प्रभु का धन्यवाद। आइए अपनी बाइबल में हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और पहला वचन। रोमियो पहला उसका पहला वचन, यहां पर पौलुस लिखता है, इसमें लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। यहां पे तीन बातें हम देख पाते हैं। पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया, तीन बातें यहां पर जो मुख्य हैं वो है दास, बुलाया गया और अलग किया गया। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर दास हैं, प्रभु के दास? कोई भी नहीं, कुछ ही हाथ देख पा रहे हैं। बुलाया गया और अलग किया गया के बारे में भी आने वाले दिनों में देखेंगे यदि परमेश्वर ने मौका दिया। अभी हम लोग देखेंगे दास, एक दास क्या होता है। तीन चीजें जरूरी होती हैं एक दास होने के लिए, दो चीजें, एक आप बुलाए गए हो और आप अलग किए गए हो। पॉल अपनी बहुत सी पत्रियों में लिखता है, लगभग आप देखेंगे तो सभी पत्रियों में वो लिखता है कि मैं यीशु मसीह का सेवक हूं, यीशु मसीह का दास हूं। आई एम अ स्लेव ऑफ क्राइस्ट, आई एम अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। तो एक स्लेव से क्या मतलब होता है? जब एक दास के बारे में हम सुनते हैं तो हम क्या समझते हैं, क्या मतलब है? जब हम पुराने समय में देखते हैं, जब पुराने नियम का समय चलता था, तो वहां पर दास का एक कह लीजिए ट्रेंड चलता था। दास हुआ करते थे और उनके स्वामी के साथ उनको रहना होता था। लेकिन एक हर 50 वर्ष के बाद एक जुबली ईयर हुआ करता था, उसमें यदि कोई दास अगर वहां से निकलना चाहे तो वो निकल सकता था, और यदि उसमें उस स्वामी की दासत में रहना चाहे तो वो रह सकता था। लेकिन उसके लिए फिर उसको अपने कान पर एक कील ठुकवानी पड़ती थी जिससे वो सदा के लिए उनका दास बन के रह सकता था। लेकिन जुबली ईयर में मौका होता था एक दास को ये चुनने का कि यदि वो उसकी दासत में रहना चाहता है या स्वतंत्र होना चाहता है। तो दास होने के लिए आज हमारे पास भी एक चुनाव है, यदि हम परमेश्वर के दास होना चाहते हैं या हम नहीं होना चाहते हैं। प्रभु हमसे जबरदस्ती नहीं करते। मैं ब्रदर अभिषेक ने भी जो अभी अपनी गवाही सुनाई, मैं एक चीज आपसे भी कहना चाहूंगा और सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कोई भी बुरी आदत यदि हम में रही, शैतान आपके साथ अब जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम करो तुम करो, लेकिन वो हमारा फैसला होगा कि यदि हमें करना है कि नहीं करना है। वी ओनली सिन व्हेन वी वांट टू सिन। हम पाप केवल तभी करते हैं जब हम स्वयं पाप करना चाहें। अभी आप लोग के सबके हाथ में अगर अपना अपना फोन पकड़ लीजिए, एक बार फोन पकड़िए सब लोग, सबने पकड़ा, ठीक है, अब पटक दीजिए नीचे, फेंकिए नीचे, कोई तो फेंक दो। क्यों नहीं फेंका आपने? मैंने अपना काम किया ना, मैंने कहा फेंको, आपने क्यों नहीं फेंका? टूट जाएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो आपका फैसला था। मैंने कोशिश करी कि आपको मैं कन्विंस करूं, मैंने कोशिश करी कि मैं आपसे कहूं आप मेरी बात मान लो, लेकिन फोन ना फेंकना आपका फैसला था।
इसी तरीके से शैतान अभिलाषा ज़रूर लाएगा, लेकिन ये आपका फैसला होगा कि आपको उस अभिलाषा में गिरना है या नहीं। उस अभिलाषा में गिरने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझे अभिलाषा में गिरा दिया। नहीं, वो हमारा फैसला है कि हमें उस अभिलाषा में गिरना है या नहीं। उसी तरीके से ये हमारा फैसला होता है कि हमें प्रभु का सेवक रहना है या नहीं, हमें प्रभु में चलना है या नहीं। उसने ज़रूर आपको बुलाया होगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपका कान पकड़ के आपको अपने पीछे चलाता नहीं रहेगा। उसने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है कि यदि तू मेरा चेला बना रहना चाहता है बना रहे, और नहीं बना रहना चाहता है तो मत बन। लेकिन यदि हम अगर फैसला लेते हैं कि हमें उसका सेवक बन के रहना है, तो मैं कहूँगा उस फैसले को लेने से पहले एक बार हम सोच लें, क्योंकि यदि एक बार आप प्रभु के सेवक बन गए तो आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी सकते। हम जो चाहें वो हम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से हम नहीं जी सकते। जब पौलुस इस पत्री को लिखता है, इसलिए वो अपने आप को दास बोल के लिखता है, क्योंकि उस समय जो रोमी लोग थे उन लोग को पता था कि एक दास होने का मतलब क्या होता है। उस वक्त 2/3 जो जनसंख्या थी रोम में वो दासत्व में थी, रह चुकी थी। और एक दास जो रोम में होता था वो बगैर किसी पगार के, बगैर तनख्वाह के, बिना किसी अधिकार के काम किया करता था, और यदि वो भागने की कोशिश करे और पकड़ लिया जाए तो उसको मार दिया जाता था। यही आज फैसला लेने से पहले हम भी ध्यान में रखें कि यदि हम प्रभु के दास होना चाहते हैं तो हमें भागना नहीं है, क्योंकि अगर उस दासत्व से हम भागे तो उसके बाद हमारा बच पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु आपको आके पिटाई लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चलने के लिए। परमेश्वर के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। परमेश्वर के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम जीना चाहे जी सकते हैं, लेकिन फिर हम इतना वल्नरेबल हो जाएंगे, इतना खुल जाएंगे शत्रु के आगे कि वो जब चाहे तब हम पर आके हमला करेगा। इसलिए यदि हम इस फैसले को लेते हैं कि हम दास हैं, तो आज कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम दास होना चाहते हैं तो 3-4 बातें मैं बताऊंगा, उसको हम चिन्ह भी कह सकते हैं एक दास होने का, फिर हम जांच सकते हैं अपने जीवन में कि क्या हम दास हैं या नहीं। पहली चीज, एक जो दास होता है वो परमेश्वर से सुनता है। इफ यू आर अ सर्वेंट यू विल हियर फ्रॉम गॉड। पहला शमूएल उसका 3:9 में हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वे तुझे फिर पुकारे तू कहना कि यहोवा, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल, और शमूएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो यदि कोई दास है तो पहली चीज, उसका पहला चिन्ह यह होता है कि वो परमेश्वर से सुनता है। परमेश्वर से सुनना हमारे लिए अनिवार्य है। हम इस कहानी को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं। ये तब की बात है जब शमूएल एली के साथ उस तंबू में रहा करता था, और उसने परमेश्वर की आवाज को वहां पर सुना। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है कि वो उसने परमेश्वर की आवाज को क्यों सुना या कैसे सुन पाया। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैं आपको कुंजी बताऊंगा, जो पहला शमूएल उसके 3:1 में है। इसमें लिखा है, और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इंग्लिश में है, शमूएल यूज्ड टू मिनिस्टर गॉड। वो परमेश्वर की सेवा टहल करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। तो यदि आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुने,
तो उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की सेवा टहल करते रहें। वी हैव टू मिनिस्टर टू गॉड इन ऑर्डर टू हियर फ्रॉम गॉड। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी आराधना करनी है, ताकि हम परमेश्वर से सुन सकें। When I say minister to God, परमेश्वर की सेवा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेवकाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की सेवा का मतलब, परमेश्वर को मिनिस्टर करने का मतलब है, आप अपने कमरे में जाइए, आप सब चीज़ों से अपने आप को अलग करके केवल परमेश्वर की आराधना करिए, केवल उससे बातें करिए, उसके सामने आप नीचे लेट जाइए, उसके सामने आप नाचना चाहे नाचिए। मिनिस्टर टू गॉड, रिमेन इन हिज प्रेजेंस एंड यू विल हियर हिम। आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपसे ऊंची आवाज से बात करेगा जैसे शमूएल से करी। अब ये मत सोचिए कि आप बैठे हैं और एकदम से आपको आवाज आएगी सिडनी, ऐसा नहीं होगा। जो वचन, जो किताब हमारे हाथ में है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सबसे पहले उससे सुने। यदि उस वचन को हम नहीं पढ़ते, यदि उस वचन से हम नहीं सुनते, तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे कान में हमसे बात करे, या परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता से हमसे बात करे। वो वचन उसने आपको दिया है, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो आपसे बात करे। हमें एक इच्छा होनी चाहिए कि उस वचन से हम सुने, उस वचन से हम पढ़ने से पहले बोले परमेश्वर इस वचन से तू हमसे बात कर। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के दास हैं तो हमें एक आदत बना लेनी है कि हम परमेश्वर से सुने, क्योंकि एक दास बिना अपने स्वामी से सुने कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग यहां पर स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या मैं हाथ देख सकता हूं? कोई अगर स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। आप लोग जो स्कूल में पढ़ाते हैं, आप ये बताइए, आप अपने मन से पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रख लेते हैं जब आपका दिल चाहता है, या आप क्लास के लिए अपने आप से सिलेबस बना देते हैं, या आप अपने आप से स्कूल की टाइमिंग सेट कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि यू आर वर्किंग अंडर समवन। एक प्रिंसिपल होगा, और उस प्रिंसिपल जब तक आपसे ना बोले तब तक आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। जब तक प्रिंसिपल आपसे ना बोले जाओ जाके क्लास में अनाउंस कर दो पीटीए मीटिंग है, तब तक आप नहीं कर सकते। और भी बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, आपके ऊपर एक जन है जिसको अधीन आपके रहना है, जिससे आपको सुनना है। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के दास हैं, बिना परमेश्वर से सुने हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर हमको ना बताए हमें क्या करना है, हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने करने की कोशिश करी, और क्या हुआ? वो विफल हो गए। अपनी मर्जी से जब हमने काम करना चाहा, हम विफल हो गए। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी सेवकाई नहीं चल रही, परमेश्वर मेरे घर में खाना नहीं है, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर मैं परेशान हूं, परमेश्वर मुझे नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कभी ऐसा करने को कहा ही नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे सेवकाई में है जो बहुत कमी में है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कभी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया। वो अपनी मर्जी से सेवकाई में आए और आज कमियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कोई भी कदम उठाने से पहले हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर तू बता। क्योंकि वचन बताता है, इवन प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा क्या प्रार्थना करनी है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बहुत दूर कहीं परमेश्वर हमसे बैठा हो। He's God near us. वो हमारे करीब है। किसी से हमें बात करनी होती है, हम फोन मिलाते हैं तुरंत। अब तुरंत परमेश्वर को मिलाइए फोन, वो एक एक बात आपको बताएगा। पूछ के देखिए, पवित्र आत्मा बताएगा किसके लिए प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, वो सब बताएगा। यशाया 30 उसका 21 कहता है, जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको क्या करना है, आपको किस मार्ग पर चलना है।
मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं सड़क पे जाते हुए मैंने यहां तक भी पूछा, परमेश्वर मुझे बताएं मैं कहां, मुझे जाम में फंसना नहीं पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसा रास्ता लूं जहां पे जाम ना मिले। तो मैं उसके लिए भी परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर आप बताइए मैं यहां से लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। ये सब आप कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। हम बहुत फॉर्मली परमेश्वर के पास जाते हैं, बहुत फॉर्मल बन के, हमें लगता है छोटी छोटी बातें परमेश्वर से पूछने का मतलब है परमेश्वर को डिस्टर्ब करना। वो हमारा पिता है, जब एक बच्चा बड़ा होता है वो अपने पिता से हर एक बात पूछता है। क्या पिता उसको जवाब देते देते इरिटेट हो जाता है, क्या वो थक जाता है? नहीं। मेरी वाइफ से मैं कई बार ऐसी मजाक में कहता हूँ, कई भी कुछ भी होता है तो तुरंत वो जीसस को आवाज़ लगाती हैं। हम कहते हैं मत डिस्टर्ब करो उनको, लेकिन आप हर बात के लिए यीशु को पुकार सकते हैं। छोटी सी छोटे प्रश्न के लिए आप यीशु को पुकार सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके दास हैं तो हमें उससे सुनना जरूरी है। और जब आप स्वामी की सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं गलत मार्ग पे आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज हम देखेंगे, यदि आप दास हैं तो आपको उसके जैसा प्रेम करना है, लव लाइक हिम। पहली चीज हमने सुनी, हियर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुने। दूसरी चीज है लव लाइक हिम, उसके जैसा प्रेम करें। जैसा यीशु ने प्रेम किया वैसे हमें भी प्रेम रखना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 में कहा, उसके 34-35 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो ये आपके दास होने का एक प्रमाण होगा, एक चिन्ह होगा कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, आप यीशु मसीह के दास हैं। अगर आज हम लोग अपने आप को जांचें कि हम वाकई में परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि यहां पर प्रेम की बात हो रही है। यदि कोई हमसे मान लीजिए आके मिला तो उसके आमने सामने तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा के, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही वो घूम जाएगा पता नहीं कहां इनका मुंह देख लिया आज। ये ऐसा बहुत होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आज के समय में प्रेम केवल चेहरे पे रह गया है, दिल से नहीं आता। परमेश्वर के दासों के बारे में हम लोग बोलते हैं, उसी दास के पास, जिस दास के पास हम वचन सीखने जाते हैं, उसी दास के पास जिसके मुंह पे हम इतनी इज्जत दिखाते हैं, उसकी पीठ के पीछे उसी दास की हम बुराई करते हैं, उसी दास के बारे में हम बोलते हैं ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। केवल चेहरे पे प्रेम रह गया है। परिवारों में भी यदि आप देखें, वो सच्चा प्रेम जो दिल से आना चाहिए वो प्रेम नहीं रहा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के दास हैं तो आपको वैसे प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया। क्या हम कर सकते हैं वैसा प्रेम? पड़ोसी से बोलिए आई लव यू। एक मिनट, रुकिए रुकिए, भाई भाई से बोले और बहन बहन से बोले, बोलिए आई लव यू। लेकिन दिल से होना चाहिए यह। हस्बैंड वाइफ है तो आप बोल सकते हैं जरूर से, दिल से प्रेम होना चाहिए। जैसे यीशु ने प्रेम किया वैसे हमें प्रेम करना है। लव शुड बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास का एक मुख्य गुण होना चाहिए प्रेम, क्योंकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 13 में, यदि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, यदि मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। कितने लोग पीतल और झांझ हैं यहां पे? प्रेज गॉड। एक सच्चा प्रेम हमें रखना है, क्योंकि आप शायद अन्य भाषा में प्रार्थना करते होंगे, आप शायद भविष्यवाणी करते होंगे, आप दर्शन पाते होंगे, लेकिन यदि आप में प्रेम नहीं है तो ये सब बेकार है।
पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे वरदानों को नहीं चाहता लेकिन तुम्हारे फल को चाहता हूं। ये उस फल की बात यहां पर होती है जो हमें स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन वो फल हमें स्वर्ग में तब मिलेगा जब अपने जीवन में हम यहां पर फल को दिखाएंगे। प्रेम हमारे जीवन का एक मुख्य भाग होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, अब तीन बातें बचती हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, और इन सबसे बढ़कर प्रेम है। यदि आप में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। आप आशा लगाए रहिए यीशु मसीह के आने की, लेकिन यदि आप में प्रेम नहीं है तो पता भी नहीं कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यदि हम में विश्वास प्रेम नहीं है और विश्वास है लेकिन प्रेम नहीं है, तो आप बोलेंगे प्रभु मैंने तो आप पे कितना विश्वास किया, और प्रभु बोलेंगे लेकिन तूने दूसरों से प्रेम नहीं किया। प्रेम बहुत जरूरी है। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों के 16:14 में लिखा है कि सब कुछ प्रेम से करो, सब कुछ प्रेम से करो। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं आप प्रेम से करिए। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, आप प्रेम से करिए। बहुत से लोग आज चैरिटी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पुण्य कमा लें, कुछ हमें अच्छा हो जाए, हाँ किसी की मदद कर दो ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। आप उस इच्छा के साथ किसी की मदद मत करिए, आप इसलिए करिए क्योंकि आपको उससे प्रेम हो। जब तक आपको दूसरों से प्रेम नहीं होगा, आपको उसकी आत्मा के लिए, उसके प्राण के लिए बोझ नहीं होगा। आज अगर आप सड़क पे निकले, कितने लोग हैं, कितने लोग आपको दिखेंगे, उसमें से 99% लोग नरक में जाने वाले होंगे, लेकिन हम उन तक नहीं बता पाते, नहीं उनको समझा पाते। क्यों? क्योंकि हम में उनके लिए प्रेम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ठीक है उसके साथ जो चल रहा है चलने दो, लेकिन यदि आप उसमें प्रेम होगा आपके अंदर उसके लिए, आप उससे बात करेंगे। किसी के परिवार में कोई समस्या आती है तो आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वही समस्या अगर हमारे परिवार में आएगी तो हम तुरंत उसके लिए कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस व्यक्ति से प्रेम होगा। वही प्रेम हमें सबसे रखना है। सब कुछ आप प्रेम में करें। तीसरी चीज, यदि आप परमेश्वर के दास हैं तो आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। यू विल डू हिज विल। द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ ऑल टाइम, अब तक का सबसे महान सेवक, उसने इस प्रकार से कहा। कौन हो सकता है वो, कोई बता सकता है? द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ ऑल टाइम, अब तक का सबसे महान सेवक, जीसस, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाली की इच्छा को पूरा करना है। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ ही हु सेंट मी। जब वो इतना महान दास होके इस बात को कहता है, तो यदि हम उसके दास हैं तो हमें कितना ज्यादा उसकी इच्छा पूरी करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की, देखिए मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के विपरीत होती है। हमारी इच्छा कुछ और होगी लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और होगी। परमेश्वर हमसे कुछ करवाना चाहेंगे लेकिन हम कुछ और करना चाहेंगे। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। कठिनाई होगी, एक तरीका मैं बता रहा हूं। पौलुस भी कहता है फिलिपियों उसके 3:12 में, उसके आखिरी भाग में देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। पौलुस एक जगह लिखता है मैं यत्न किए जाता हूं। यत्न करना है, आसान नहीं होगा, मुश्किल है, मगर यत्न करते रहो। पड़ोसी से बोलिए यत्न करते रहो। मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, हार नहीं माननी है, यत्न करते रहना है।
कोशिश करती रहनी है। और आगे लिखा है, क्योंकि जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा है। इंग्लिश में अगर देखें तो उसमें लिखा है क्राइस्ट जीसस हैज पोजेस्ड। पोजेस्ड मतलब होता है कब्जा करना। यीशु मसीह ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, मुझे अपना दास बना लिया है, और अब हम जैसे चाहें वैसे नहीं जी सकते, हमें उसी के अनुसार जीना है। कब्जा, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह का कब्जा है, और जब उसका कब्जा है हम उसके दास हो गए और हम अब उसके अनुसार चलेंगे। हम अपनी मर्जी के अनुसार हम नहीं जी सकते। यत्न करते रहें। कैसे यत्न कर सकते हैं? तीन बातें मैं बताऊंगा कैसे हम, हाउ कैन वी प्रेस ऑन, कैसे यत्न करें। पहली चीज है, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों की ओर देखें। फिलिपियों 3:17 में कहता है पौलुस, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हम देखें परमेश्वर के दास इस भवन में आते हैं, हम लोग परमेश्वर के दासों को देखें कि जब उनके जीवन में कठिनाई आती है वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे दिखाते हैं, किसी परिस्थिति के अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे दिखाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, वो कैसे जीते हैं, उनका बोलचाल कैसा है। हम परमेश्वर के दासों से, अभिषेक दासों से उनको देखकर सीख सकते हैं। दूसरा कदम, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, मैंने जब से मैं यहां पर आया हूं मैं परमेश्वर के दास से बहुत सीख रहा हूं। हम सब परमेश्वर के दासों को देखकर सीख सकते हैं। दूसरा कदम है सदा आनंदित रहो। ये यत्न करने के मैं तीन तरीके बता रहा हूं। परमेश्वर के दासों को देखें, उनसे सहायता मांगे, उनसे प्रार्थना मांगे, और दूसरा है आप आनंदित रहें। फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंदित रहें। कठिनाइयां आए आप आनंदित रहें, मुश्किलें आए आप आनंदित रहें, बीमारी भी आए आप आनंदित रहें, क्योंकि ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन हमारे आत्मा को नहीं। हमें आनंदित रहना है। कुछ भी हमारे मन से परमेश्वर का दिया हुआ आनंद नहीं चुरा सकता। देखिए, खुशी में और आनंद में फर्क होता है। खुशी अस्थाई होती है लेकिन आनंद स्थाई होता है। खुशी हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है लेकिन आनंद हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। हमारे पास अगर आज पैसा है हम खुश हैं, कल पैसा नहीं होगा खुश नहीं होंगे, लेकिन आनंद हम में आज भी है जब पैसा है, और कल अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी आनंदित रहेंगे। उस आनंद को हमें नहीं खोना है, उस आनंद में हमें बने रहना है, और जब उस आनंद में बने रहेंगे तो हम प्रयत्न, हम यत्न करते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद तीसरा कदम है फल उत्पन्न करते रहें। पहला था परमेश्वर के दासों से सीखें, दूसरा था हम आनंद करते रहें, और तीसरा है फल उत्पन्न करते रहें। फल क्या है? आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, और ये सारे फल जब हम में बने रहते हैं, हम प्रेम दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों के प्रति भलाई दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमको भी उसके बदले में फल देंगे। और जो भी हम परमेश्वर से उसकी इच्छा में मांगेंगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। तो हमें यत्न करते जाना है। यत्न हम कर सकते हैं परमेश्वर के दासों से सीख के, आनंद करके, फल उत्पन्न करके। और आखिरी बात पे आएंगे। पहली चीज हमने देखी कि हमें परमेश्वर से सुनना है यदि हम परमेश्वर के दास हैं। दूसरी बात हमने देखी, यदि हम परमेश्वर के दास हैं तो उसके जैसा प्रेम करें। तीसरी चीज हमने देखी, यदि हम परमेश्वर के दास हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करें। और चौथी चीज जो हम देखेंगे वो है हम उसके लिए मरें, डाई फॉर हिम। यीशु मसीह एक सेवक के रूप में आए, एक दास के रूप में आए, अपने आप को शून्य कर लिया और हमारे लिए मर गए। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए मरना चुना, पीछे नहीं हटा, तो हम उसके दास होने के नाते हम क्यों अपने कदम पीछे लें? यदि ऐसी नौबत आती है कि यीशु मसीह के लिए मरना भी पड़े तो भी हम तैयार रहें। शहीदों के लिए खास जगह है स्वर्ग में, लेकिन वो मरना तो आसान है, एक बार मर गए हो गया खत्म,
टाटा बाय बाय, लेकिन हर दिन मरना मुश्किल है। एक दिन मरना आसान है, हर दिन मरना मुश्किल है। हमें हर दिन मरने की आवश्यकता है। वी नीड टू डाई फॉर हिम एवरी डे। पौलुस कहता है जब हम देखते हैं उसके जीवन से, उसको पत्थरवा किया गया, उसकी बदनामी करी गई, उसका मजाक बनाया गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, वो हर दिन अपने स्वामी के लिए मरता रहा। जब से उसने यीशु मसीह को जाना, वो हर दिन अपने स्वामी के लिए मरा। उसने अपनी इच्छाओं को मारा, अपने सारे अहंकार को मार दिया, जो उसकी उपलब्धियां थी उनको मार दिया, सब उसने खत्म कर दिया और हर दिन वो अपने स्वामी के लिए मरता रहा। हर एक सेवक को सेवक होने के लिए एक मूल दिया जाता है। एवरी सर्वेंट इज पेड। लेकिन हम वो सेवक हैं जो सेवक होने के लिए हम मूल चुकाते हैं। वी आर दो सर्वेंट्स हुम बीइंग सर्वेंट्स वी हैव टू पे टू बी अ सर्वेंट। हमें एक मूल चुकाना है एक सेवक होने के लिए। और अपने स्वामी ने, हमारे स्वामी ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए प्रतिदिन अपनी जान को दें, प्रतिदिन अपने आप से इनकार करें, प्रतिदिन हम उसके लिए मरें और उसी के लिए जिएं। बीइंग हिज सर्वेंट इज नॉट ईजी। आसान नहीं है उसका सेवक होना। बहुत बलिदान है, बहुत परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं। जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, रोमियों 8:18 के अनुसार है, जो क्लेश का हम अभी सामना करते हैं वो उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होगी। और उस महिमा के खातिर यदि कुछ पल के लिए हमें परेशानी झेलनी भी पड़े, खुशी खुशी झेल लेंगे, क्योंकि हम अपने स्वामी के लिए झेल रहे हैं और उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। हमें से कितने लोग उस महिमा को देखना चाहते हैं? यदि हम इन बातों को अनुसार जीते हैं तो उस महिमा में जब प्रवेश करेंगे तो हमें सुनने को मिलेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। आइए अपने स्थानों पे हम लोग खड़े होंगे, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपको सुन सकूं, परमेश्वर मैं आपके जैसा प्रेम कर सकूं, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं और परमेश्वर मैं प्रतिदिन मर सकूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं इस वक्त, प्रभु हमें अपना दास बनाइए, और यदि हम आपके दास हैं तो उस दास होने के चिन्ह हमारे जीवन से दिखाई दें। हम प्रतिदिन आपकी सुने परमेश्वर, हम प्रतिदिन आपके जैसा प्रेम करें परमेश्वर, हम प्रतिदिन आपकी इच्छा को पूरा करें परमेश्वर, और हम प्रतिदिन आपके लिए मरे परमेश्वर। परमेश्वर आज हम सबके जीवन में आप सहायता करें। आज हम जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे परमेश्वर, आज हम आपके दास बन के वापस जाएंगे परमेश्वर। आज इस फैसले को हम लेते हैं परमेश्वर, आज जो हम अपने हाथ को उस जुए पर रखने जा रहे हैं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे परमेश्वर, हम आपके दास बन के जिएंगे परमेश्वर। हम आपकी आवाज को सुनते हुए, आपके जैसा प्रेम करते हुए और आपकी इच्छा को पूरा करते हुए और प्रतिदिन आपके लिए मरते हुए जिएंगे परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हमसे बात करने के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक दिल को छू लीजिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम पर नियंत्रण करिए, हमारे मनों पर नियंत्रण करिए परमेश्वर। हम चाहे हम इस सवाल में रहे होंगे, हम सोचते होंगे परमेश्वर क्या मैं आपका दास होने के लायक हूं, क्या मैं आपकी दासी होने के लायक हूं, एम आई वर्दी टू बी योर सर्वेंट। ही सेज यस यू आर, क्योंकि ये आपकी योग्यता नहीं है जो आपको योग्य बनाती है, ये आपकी अयोग्यता है जो उसकी योग्यता को आप में सिद्ध करती है। इट इज योर अनवर्दीनेस दैट मेक्स हिज वर्दीनेस परफेक्ट इन यू।
और आप प्रार्थना करें, बस इस इच्छा को रखें, हाँ परमेश्वर हम आपकी सुनना चाहते हैं, हम आपके साथ समय बिताएंगे, हम आपकी उपस्थिति में बने रहेंगे ताकि हम आपकी सुनते रहें परमेश्वर, हम आपके जैसा प्रेम करेंगे परमेश्वर, और हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। जिस दिन तक आप हमें इस पृथ्वी पर रखते हैं हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे परमेश्वर, और जिस दिन तक आप इस पृथ्वी पर हमें रखते हैं हम स्वयं के लिए प्रतिदिन मरते रहेंगे परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा को खुद में पाने पाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। आपने सुना आज के दिन किस प्रकार से यदि हम अपने आप को परमेश्वर के दास समझते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए। आज की सुबह मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस समर्पण को हम गाएं एक गीत के रूप में जो किसी और ने लिखा है, लेकिन होने दे जब आप इस गीत को गाते हैं तो ये आप अपनी तरफ से अपने दिल की गहराई से अपना ही एक समर्पण समझकर गाएं। सच्चाई के साथ गाएं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे गाएं, मुझ पर हुई है कृपा, मुझ पर हुई है कृपा, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, तेरी सलीब पर मैं जीऊं
एक दिल अपने हाथ पर रखकर दूसरे हाथ को उठाए हुए, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। फिर से अंगीकार करें, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। होने दे कि ये सच होने पाए आपके लिए और मेरे लिए, होने दे कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही दिखाई दे, ना हमारा स्वयं, ना हमारी एक परछाई भी नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह ही दिखाई दे। क्योंकि पौलुस ने जिस प्रकार से कहा, ये अब मैं जीवित नहीं हूं वरन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मोल लिया गया हूं, प्रभु यीशु ने बड़ी कीमत चुकाकर मुझे खरीद लिया है, और अब मैं अपना नहीं परंतु मसीह जो मुझ में जीवित है। ये बात आप में और मुझ में सच होने पाए, इस बात की हम एक लालसा रखें, एक चाहत, एक इच्छा रखें। हे पवित्र आत्मा, होने दे कि जब मैं अपने जीवन को इस संसार में जीऊं, तो फिर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दिखाई दे। जब मैं अपने मुंह से शब्दों को निकलने दूं, तो फिर मेरे शब्द यीशु के शब्द होने पाए। मेरे मन के विचार, मेरे हाथों के कार्य, मेरा व्यवहार, हर एक बात से प्रभु यीशु ही दिखाई दे। ये मेरी प्रार्थना है हे पवित्र आत्मा, और इसमें केवल आप ही मदद कर सकते हो। इस बात को आप ही हमारे जीवन में अभ्यास में लाने के लिए मदद कर सकते हो। सो होने दे पिता परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा इस आने वाले सप्ताह में प्रभु यीशु की महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाकर उसको हम धन्यवाद दें, अपनी आवाजों को उठाकर, कि प्रभु यीशु ने अपने वचन को हमें सुनाया, अपना संदेश हमें सुनाया, पवित्र आत्मा ने हम तक वो संदेश पहुंचाया अपने दास के द्वारा, और अब वो वचन हमारे मनों में और दिलों में है। ऐसा ना हो कि वो वहां से गायब हो जाए, परंतु हमारे मनों में, हमारे कानों में गूंजता रहे, और हम उन बातों को अपने जीवन में अभ्यास में लाने पाए, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस आने वाले सप्ताह में, होने दे प्रभु, हम चाहे जितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम समय निकालकर इन बातों पर हम मनन करने पाए, और हम प्रार्थना में समय बिताने पाए, और आने वाले बुधवार को, वेंसडे को, 17 तारीख को हम सब यहाँ पर आने पाए आपके भवन में, ताकि हम उपवास के साथ प्रार्थना में हम समय बिता सके, आपके चरणों पर हम पाए जाएं, आपके नाम को हम पुकारें, क्योंकि आप अद्भुत करने वाले यहोवा परमेश्वर है, और आप आने वाले चुनाव में भी अद्भुत करोगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है, और अपनी कलीसिया को आप बनाते रहोगे। आपके कलीसिया के निर्माण का कार्य रुकने नहीं जा रहा है, क्योंकि निर्माणकर्ता आप हैं, कोई इंसान नहीं है, और इसीलिए वो कार्य कभी नहीं रुकेगा। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सो पवित्र आत्मा, हम आप पर निर्भर हैं। जब हम यहाँ जमा होते हैं 17 को, आप हमारी अगुवाई करो, आप हमसे बातचीत करो, आप अपने कार्य को हमारे मध्य में करो। और जबकि पुरुषों के विभाग प्रभु जी वे अपने अलग स्थान पे जब मिलते हैं, वे भी इस प्रार्थना समय में प्रभु जी वे अपने आप को देंगे, और एक कलीसियाई रूप से प्रभु होने दे कि आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। आपके लोग जब यहाँ से जाते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे संग संग बनी हुई है, इस बात को हम ध्यान में रखें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता और संगति, पवित्र आत्मा का सहभागिता, प्रभु यीशु का प्रेम, अनुग्रह हम में से हर एक के साथ बनी रहे, जब तक आपका आगमन ना हो, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया,
प्रभु यीशु को महिमा मिलने पाए।